जिंदगी हो तो स्टार प्लस के सीरियल के पतियों की तरह ना काम ना धंधा, बस अच्छे कपड़े पहन के दिन भर औरतों से पंचायत और झगड़ा करते रहो। विराट कोहली के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी रन लेने के लिए पैदल ही दौड़ता है। लानत है ऐसी अमीरी पे। हमारे देश में भेदभाव तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक HP गैस वाले इंडेन का सिलेंडर नहीं भर के देंगे। बात खत्म। कृपया विवाहित पुरुषों को अप्रैल फूल ना बनाए, ये काम उनके ससुराल वाले पहले ही कर चुके हैं। एक भाई जमीन पे सोता था। एक दिन एक आदमी ने पूछा, जमीन पे क्यों सोते हो? भाई ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, तुम्हें का दिक्कत है बे? दिल छू लेने वाली कहानी। पति और पत्नी घूमने निकले, टहलते समय पति का एक पत्थर से पैर टकरा गया और उसका खून बहने लगा। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा इस उम्मीद से कि वह फिल्मों की तरह अपना दुपट्टा फाड़ेंगी और उसके घाव में बांध देंगी। पत्नी ने पति की आंखों में देखा और बोली, सोचना भी मत, मेरा फेवरेट सूट है। पति बेहोश हो गया। जो लड़कियां बर्तन धो सकती है वह किसी को भी धो सकती है। सावधान रहे, सतर्क रहे। एक आदमी ने गलती से बस इतना कहा था पत्नी से कि रोटियां तुम्हारे मुंह जितनी फूलनी चाहिए। अब 6 दिन से उस आदमी के मुंह की सूजन कम नहीं हो रही है। दोस्तों, चुटकुलों के बीच एक मजेदार सवाल बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे लड़की पहनती भी है और खाती भी है? इसका जवाब कमेंट करके बताओ। रोए वो इस कदर उनकी लाश से लिपट के कि लाश खुद उठ के बोली, ले तू मर जा पहले, ऊपर ही चढ़े जा रहा है इतने गर्मी में। पति पत्नी कार से किसी शादी में जा रहे थे, रास्ते में कार पंचर हो गई। पति उतरा और टायर बदलने के काम में लग गया, पत्नी भी उतरी और भुनुर भुनुर करने लगी। सुनिए उसका भुनुर भुनुर, देखकर तो चला ही नहीं सकते हो, नुकीले पत्थर पे ही गाड़ी चढ़ा दी। पंचर तो हुआ ही, डेंट भी लगा दिया। पता नहीं कैसे ड्राइवर हो, बीवी को बिठा कर भी रफ चलाते हो। जरूर नजर इधर उधर होगी, पता नहीं किसने तुमको लाइसेंस दिया। एक काम ठीक से कर नहीं सकते, पता नहीं स्टेपनी ठीक भी है कि नहीं। अब शादी में भी देर से पहुँचेंगे। सोचा था मेरी नई साड़ी से सब चलेंगी, अब तो वरमाला के बाद ही पहुँचेंगे। तुमसे तो मेरी कोई खुशी देखी नहीं जाती। अरे बड़े अजीब आदमी हो, कुछ कहोगे कि गूंगे ही बने रहोगे। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी कि तुम मिले। इतने में एक साइकिल सवार आके रुका और पूछा, भाई साहब कुछ मदद करो। पति बोला, भाई तू इस मैडम से थोड़ी देर बात कर ले, तब तक मैं टायर बदल लूं। एक सच बात, दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। दोस्तों, इसी प्रकार के शुद्ध पारिवारिक चुटकुले देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।